अरे यागो जी, कितने दिनों बाद दिखे हैं आप। आखिर जंगल में है कैसे? हमें तो बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हुए। अरे भैया पंदर, तुम आखिर यहाँ कैसे आ गए? कितने दिनों के बाद दिखे हो आखिर तुम। अरे भैया पंदर, तुम तो यहाँ बहुत दिनों बाद दिखे हो। और सुनाओ कैसे हो? वो क्या है कि हम सोच रहे थे कि यहाँ से गुजरे तो तुमसे मिलना जुलना हो जाए। हमने सुना है कि तुमने एक जीनी ढूंढ लिया है। अरे हमने जीनी वीनी नहीं ढूंढा है, हमारा जीनी हम आजाद करवा के लाए हैं। आजकल वो हमारा दोस्त है, तुम बोलो तो उससे मिलवा दे। अरे ओ जीनी भैया, कहाँ हो तुम? देखो हमारा एक नया दोस्त आया है, बंदर। अरे भैया दो, ये बंदर यही के जंगल में रहता है क्या? अरे हाँ हाँ, ये हमारे ही जंगल में रहता है, यही पास के गांव में। अरे यागो जी क्या बताएं, हम बस ऐसे ही घूम रहे थे तो घूमते घूमते हमने सोचा कि आज यागो जी से मिला जाए, इसलिए हम तुम्हारे पास आ गए। हाँ हाँ, तुम टेंशन नहीं लो, हमें तुम्हारी पुरानी आदत पता है, तुम कितने बड़े अलाल हो ये भी पता है। अच्छा एक बात बताओ, लोगों के बाप दादा, परदादा और पूर्वज लोग बहुत धन जोड़ कर जाते हैं, नहीं तो कुछ ऐसा व्यापार छोड़ कर जाते हैं कि जिससे उनकी आने वाली संतानें को कोई दुख ना हो। तुम्हारे लिए किसी ने कोई काम धंधा नहीं छोड़ा क्या? अरे भाई आगो, वो तुम्हारा दोस्त है, आखिर तुम उसे इतना चढ़ा क्यों रहे हो? नहीं नहीं जीनी भैया, क्या बताएं, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। आखिर तुम्हारे माँ बाप करते क्या थे? अरे जीनी भैया क्या बताएं, हमारे माँ बाप जो हमारे दादाजी की संपत्ति थी उसे ढूंढ ही नहीं पाए, अब वो ढूंढने के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी गवा बैठे इस गरीबी में। हमें कुछ नहीं पता कि हम करें तो आखिर करें क्या। अरे तुम कुछ नहीं करो, हमें पता है कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम जैसे अलाल और आराम पसंद लोगों के लिए कोई काम धंधा नहीं होता है। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, हम सब समझ रहे हैं, तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा बेटा बंदर। अरे यादव, तुम्हें उससे ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए, वो आखिर तुम्हारा दोस्त है। ठीक है यागो जी, आपने हमारी इतनी सेवा की, इससे हम बहुत प्रसन्न हुए कि हम यहाँ से चलते हैं। हाँ हाँ, जाके कहीं साइड में किनारे जाकर बैठो और अपने पूर्वजों को ये सोच कर याद कर लेना कि शायद कछु काम धंधा छोड़ दिए होते। ठीक है यागो जी, चलते हैं, धन्यवाद। अरे यागो, तुम्हारा जो दोस्त बंदर था, शाम होने को आई है, अभी तक वापस नहीं आया, देखो कहीं वो खो तो नहीं गया। अरे तुम फिकर मत करो हमरे जीनी प्यारे, हम जानते हैं कि वो बंदर है, बहुत आराम पसंद इंसान है, कुछ नहीं करेगा और दो चार दिनों के बाद यही वापस आ जाएगा हमरे पास, तुम टेंशन नहीं लो। अच्छा तुम एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं जाकर देख कर आता हूँ आखिर बात क्या है। अरे बंदर, तुम यहाँ अकेले नदी के किनारे क्यों बैठे हुए हो? अरे क्या बताएं हमारे प्यारे विदेशी दोस्त, यागो जी ने हमारी इतनी बेइज्जती कर दी, हमें शक्ल दिखाने की इच्छा नहीं हो रही। अरे नहीं नहीं, वो तुम्हारा दोस्त है, तुम उसकी बात का इतना बुरा मत मानो। चलो अब हमारे पूर्वज हमारे लिए कुछ भी धन संपत्ति छोड़कर नहीं गए, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं?
अच्छा, तुम कह रहे थे कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे दादाजी की दी हुई संपत्ति को ढूंढते ढूंढते पूरी जिंदगी ढूंढने में गुजार दी। अरे क्या बताएं हमारे विदेशी दोस्त, हमारे जो दादाजी थे उन्होंने बिल्लियों का एक बहुत बड़ा खजाना लूटा था। उन्होंने बिल्लियों को बेवकूफ बनाकर उन्हें पानी से नीचे गिरा दिया और उनकी जितनी धन संपत्ति थी उन सब को लूट कर कहीं छुपा दिया, और छुपाने के बाद उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं बताया और अचानक उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए किसी को नहीं पता कि वो खजाना आखिर है कहाँ। अच्छा तो तुम फिकर क्यों करते हो, आखिर तुम्हारे दादाजी ने एक खजाना ही तो छुपाया है, हम कभी ना कभी तो उसे ढूंढ ही लेंगे। चलो चलो घर चलते हैं, शाम हो गई है, नहीं तो फिर शायद तुम्हें परेशानी होने लगे। चलो चलो मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ। अरे ये किसकी फोटो है? ये हमारे प्यारे दादाजी की फोटो है। इसमें तो कुछ लिखा हुआ है, आवत तावत कहावत, कोई रहे 21 दिन उपवास, फिर जाए वहाँ जहाँ मिले समुद्र और रेगिस्तान, तब वहाँ मिले खजाना जीवन भर करे आराम। क्या तुम्हें इसका मतलब पता है? अरे नहीं हमरे विदेशी दोस्त, हमको इसका कोई मतलब नहीं पता है। अगर यही पता होता तो हम इस झोपड़ी में कैसे रह रहे होते। हाँ हाँ मुझे शायद इसका उत्तर पता तो है, मैंने बहुत से प्रश्नों को हल किया है। तो चलो फिर देरी किस बात की, हम चलते हैं इस खजाने को ढूंढने। अरे ओ यागो जी, अरे जीनी भैया, तुम जानते हो हमारे प्यारे विदेशी दोस्त ने हमारे दादा के छुपाए हुए खजाने का उत्तर ढूंढ लिया है, ये कितनी खुशी की बात है ना? अरे मेरे आका, क्या तुम्हें सच में उस चीज का उत्तर पता है? हाँ हाँ जीनी, मुझे उसका उत्तर पता है। अरे तो फिर देरी किस बात की, चलो चलते हैं उस खजाने को ढूंढने और हमारे इस बंदर की आराम पसंद जिंदगी को और खुशहाल कर देते हैं। तो ये लो, चलते हैं हम हमारी प्यारी विशेष चीनी वायु सेवा से। बैठिए चलिए। हाँ तो हमें कहाँ जाना है मेरे आका, ये तो आपने बताया ही नहीं। अरे भाई चीनी, हमें यहाँ से समुद्र किनारे जाना होगा। पर आका आपको शायद एक चीज तो पता ही नहीं, समुद्र का तो कोई किनारा ही नहीं होता, हम जाएंगे कहाँ? नहीं नहीं इस पहेली के हिसाब से ये लिखा हुआ है कि समुद्र के बीच में एक टापू होगा जो रेगिस्तान जैसा होगा, हमें वहाँ जाना है। हाँ दिख तो रहा है कुछ, चलो चलकर देखते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है जीनी, तुम एक काम क्यों नहीं करते, इस गुफा में एक जोरदार धमाका करो जिससे हम इसके अंदर जा पाए। तो ये लो, कितना सारा खजाना है। अरे भाई बंदर, हमको पता था कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे लिए कुछ तो बहुत भारी चीज छोड़ गए होंगे। हमको पता था कि तुम बहुत ही अमीर हो, बहुत 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 अमीर हो, हमें माफ कर दो, हमने तुमसे जो भी कहा था। क्या तुम थोड़ा हिस्सा हमें भी दोगे? हाँ भाई यागो जी, थोड़ा हिस्सा तुम भी रख लेना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम एक काम करो, इस पूरे खजाने को हमारे घर पर वापस ले चलो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जो हुकुम मेरे आका।